स्मैकडाउन के अंदर रोमन रेंस ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन की, लेकिन उसके पास जो रेड लाइट थी ना, वो मतलब क्या बताती, उसका मीनिंग क्या है गाइस? ये बात गाइस हो चुकी है डिस्कस की, भाई क्या ये फीन का साइन है, कि ये डीमन फिन बैलर का साइन है, या फिर क्या कुछ मिस्टेक हुई बहुत छोटा बड़ी से? तो इसके बारे में बात करने वाले, साथ ही में एक्सट्रीम रूल्स पेपर के लिए भी एक नया मैच ऑफिशियल हो चुका है, और आने वाले 10 सितंबर के स्मैकडाउन के लिए भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बड़ी चीज एडवर्टाइज की। तो वीडियो को आप लोग चैनल तक जरूर देखना, तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, और भाई चैनल पर नए तो आपको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को देर नहीं करते, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले के साथ ही हमारी आज की सुबह वाली वीडियो नहीं देखी, जहाँ पर मैंने पूरा स्मैकडाउन को रिव्यू किया। तो भाई काफ़ी तगड़ा शो था, रोमन रेंस एंड फिन बैलर का मैच, ब्रॉक लेसनर ने पॉल हेमन को, पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर को टीज किया। तो भाई सारी बातें वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके उसे पहले आप चेकआउट कर लेना, तो भाई उसके बाद ये वीडियो देख लेना, क्योंकि आप कुछ समझ नहीं आएगा थोड़ा बहुत। सबसे पहले क्या बात करते हैं हम लोग एक्सट्रीम रूल्स के नए मैच के बारे में, जो कि WWE ने ऑफिशियल कर दिया। और भाई WWE क्या करती है, आज के स्मैकडाउन खत्म होता है उसके बाद हमें ये अनाउंसमेंट करते हुए दिखा देती है कि जो अब स्मैकडाउन के वुमेन चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है, ये मैच कन्फर्म है बियांका बेलर वर्सेस बैकी लिंच के लिए। और भाई बैकी लिंच चैंपियनशिप ऑन द लाइन लगाने वाली अगेंस्ट बियांका बेलर, और भाई इन दोनों का ये मैच हो चुका है ऑफिशियल। तो भाई यहाँ पर स्मैकडाउन के वुमेन चैंपियनशिप के लिए मैच ऑफिशियल है, तो ये पहला मैच है जो कि WWE ने ऑफिशियल कर दिया है अपने पेपर व्यू के लिए। तो भाई बहुत मजा आने वाला है इस मैच के अंदर, फर्स्ट टाइटल डिफेंड होने वाली है इस बार बैकी लिंच की। लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं स्मैकडाउन के एडिशन के बारे में, जो कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन अरीना के अंदर होने वाला है। तो इसके अंदर WWE ने तीन बड़े सेगमेंट्स पहले से ऑफिशियल कर दिए हैं, और सबसे पहला सेगमेंट जो ऑफिशियल हुआ है वो है बियांका बेलर और जो बैकी लिंच का मैच होने वाला है, मैंने आपको है उसकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाली है मैच की। तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगी, बाद में मैच ऑफिशियल तो हो गए हैं। और एज और सेथ रॉस भी आमने सामने आने वाले एक सिंगल्स मैच के अंदर नेक्स्ट फ्राइडे के लिए, जो कि सुपर स्मैकडाउन का एडिशन होगा मेडिसन स्क्वायर गार्डन का। और प्लस साथ ही में गए, सभी को पता है अपने ब्रॉक लेसनर आने वाले शो के ऊपर, ये बात हो चुकी है ऑफिशियल। और भाई ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं, वो करने वाले अपने रिटर्न फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर, और भाई ये बात हो चुकी है ऑफिशियल। तो भाई आप कितने एक्साइटेड हो, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आप लोग से जरूर आपके ओपिनियन शेयर करना। लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं आज के मेरे नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है वो जुड़ी है अगले हफ्ते की मंडे नाइट रॉ के लिए, और भाई इसके लिए WWE ने एक चैंपियनशिप मैच ऑफिशियल कर दिया, जो कि होने वाला है शार्लेट फ्लेयर वर्सेस नाया जैक्स के बीच। और भाई शार्लेट फ्लेयर को हरा दिया नाया जैक्स ने, तो वो बन गई है नंबर वन कंटेंडर। और भाई इन दोनों के बीच एक रॉ की विमेंस चैंपियनशिप के लिए WWE ने कर दिया है मैच ऑफिशियल। तो भाई यहाँ पर से ये पहला मैच होने वाला है रॉ विमेंस चैंपियनशिप के लिए। तो भाई देख लेते कि शार्लेट फ्लेयर चैंपियनशिप रिटेन कर पाती है या फिर नहीं, और भाई क्या हमें नई रॉ विमेंस चैंपियन इस शो के ऊपर दिखाई देती है या फिर नहीं। साथ ही में शो के ऊपर होने वाला है एक टैग टीम मेमोरियल बैटल रॉयल, और भाई ये होने वाला है गाइस अपने आरके ब्रोज के लिए। और भाई मुस्तफा अली और मैस की टीम टी बार और मुस्तफा अली एंड मंसूर की टीम टी बार एंड मैस होंगे आरके ब्रोज के लिए एजेस टाइसन ओमस के, जो भी जीतेगा उसको मिलेगी कंटेंडरशिप। तो भाई ये फिलहाल ऑफिशियल है, जिसे मंडे नाइट रॉक एपिसोड के लिए आने वाले, तो भाई देख लेते क्या होता है। लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने NXT के बारे में, और भाई NXT को लेकर कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है हमारे सामने। और भाई मैंने आपको कल वाली वीडियो के अंदर बताया था ना, कैसे ब्रूस प्रिचर्ड एंड विंस मैकमैन ने सारा कंट्रोल लिया है, लेकिन विंस मैकमैन ने जो अपने शॉन माइकल्स एंड ट्रिपल एच उनको निकाल दिया, लेकिन फिलहाल अपडेट जो है कि विंस मैकमैन ने ऐसा किया नहीं है। बड़े बड़े डिसीजन होंगे ना, वो विंस मैकमैन एंड ब्रूस प्रिचर्ड लेंगे, और जो छोटे मोटे बाकी के रेगुलर थिंग होंगे ना, वो जो है शॉन माइकल्स एंड ट्रिपल एच संभालने वाले। तो पता नहीं फिलहाल WWE क्या करने वाली है NXT के साथ, लेकिन मेरे ख्याल से आने वाले समय के अंदर कुछ बहुत बड़ी थिंग NXT के साथ हैपन हो सकती है। और फिलहाल जो 14 सितंबर ये डेट हो सकती है कि जब WWE रीब्रांडेज रीसेट जो है NXT को पूरी तरीके से करने वाली, तो दो इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी है। तो भाई देख लेते हैं NXT का क्या होता है, और भाई 14 सितंबर को हमें जो है रीसेट बटन दबाते हुए दिखा देने वाली WWE की। तो भाई देख लेते क्या होता है NXT के नए इस रीब्रांड की पूरी थिंग का। लेकिन अब हम लोग बात थे आज के हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, वीडियो की नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है वो जुड़ी है AJ ली के बारे में। और भाई AJ ली से फिलहाल एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, और भाई रिसेंट टाइम में CM Punk ने
टीज किया था ना एजली का रिटर्न AEW के अंदर। तो फिलहाल सीएम पंक से बातें पूछी जाती है, तो सीएम पंक क्या बताते, देखो एजली रिटर्न नहीं कर सकते क्योंकि एजली जो है रिस्क नहीं ले सकते अपने नेक के कारण, नेक की उसकी जो है नेक को चोट आ गई, इसलिए वो रेसल नहीं करेगी क्योंकि वो 100% फिट नहीं है। तो मे भी हमें जो है एजली अब रेसलिंग दुनिया के अंदर फिर एक बार रिटर्न नहीं करते हुए दिखा दे सकती, ऐसे फिलहाल हम लोग मान सकते हैं। और भाई मे भी जो एजली है वो हमें जो है अब रेसलिंग नहीं करते हुए दिखा दे सकते। तो ये फिलहाल कुछ बड़ी बात है जो कि अपने सीएम पंक का दिया। और भाई सीएम पंक की माने तो एजली फिलहाल हमें रेसलिंग करते हुए नहीं दिखाई दे सकती, जो हमारी होप थी कि वो पॉसिबली AEW के अंदर जा सकते, तो ये फिलहाल अब थिंग होने नहीं वाली। तो भाई देख लेते एजली का फ्यूचर क्या होता है। लेकिन नेक्स्ट अब हम लोग अपडेट की ओर बढ़ लेते, तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमन का नया नाम हमारे सामने आ चुका है जो कि पॉसिबली उन्होंने बहुत बार कर दिया है टीज़। और भाई अगर ब्रॉन स्ट्रोमन को आप जो है ट्विटर के ऊपर फॉलो कर रहे होते, तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमन जब से जो है ट्वीट्स डाले जा रहे हैं उसके अंदर वो एक नेम को बहुत ज़्यादा मेंशन कर रहे हैं, उसका हैशटैग खुद बना रहे हैं, वो है टाइटन। और भी ट्वीट्स वगैरह उसके अंदर टाइटन का काफ़ी नाम का यूज़ हो रहा है, तो भाई पॉसिबल है ब्रॉन स्ट्रोमन का टाइटन नाम दिखा दे सकता है। बड़ा एक थोड़ा सा अजीब सा नाम है, लेकिन हमें स्टिल इसकी आदत थोड़ी देर दिनों के अंदर हो जाएगी जब ब्रॉन स्ट्रोमन अपने जो है इसी के साथ जो है कंटिन्यू करेंगे, किसी भी रेसलिंग प्रमोशन के अंदर किसी भी वो फील्ड के अंदर जाएंगे, तो पॉसिबली उनका नाम हमें जो है टाइटन दिखा दे सकते हैं। और भाई ब्रॉन स्ट्रोमन AKA टाइटन भी अब बोल सकते हैं। और भाई मे बी ये जो है हो सकते हैं अपने मॉन्स्टर अमंग्स मैन ब्रॉन स्ट्रोमन का नया नाम। तो भी आपको कैसा लगा ब्रॉन स्ट्रोमन का नया नाम, जैसे कि काफ़ी तगड़ा ब्रॉन स्ट्रोमन का नाम लुक वाइज लगता है, लेकिन स्टिल ब्रॉन स्ट्रोमन ख्याल से काफ़ी तगड़ा लगता था उनकी साइड वेयर को वगैरह को देखकर। तो भाई आपके हिसाब से आपके डेफिनेट से कमेंट्स के अंदर शेयर करना, ये छोटी सी अपडेट थी। लेकिन जो आज की मेरी फाइनल अपडेट है वो काफ़ी तगड़ी, और भाई वो जुड़ी अपने रोमन रेस के बारे में। और भाई जब रोमन रेस ने आज के स्मैकडाउन के मेन इवेंट के अंदर अपनी ये चैंपियनशिप रिटेन, तो उसके बाद जब वो जा रहे थे तो रेड लाइट जब हिट होती है, तो भाई इससे मतलब क्या बनता है, तो क्या ये किस तरीके से थिंग लीड करने वाली रोमन से दो मिनट से थोड़े चौक जाती है कि भाई ये थिंग क्या है। तो मे भी माना जाए कि हमें जो चीज़ एक्सपेक्टेड है वही दिखाई देगी कि डेमन फिन बैलर का रिटर्न। जी हाँ गाइस, ये हमें थिंग दिखाई दे सकती है कि मे बी डेमन फिन बैलर ही वो हो सकते हैं। और भाई आपने अच्छे से नोटिस किया होगा ना, तो वैसे ना थोड़ी सी धक ऐसे बजता है ना जब डेमन फिन बैलर की एंट्रेंस होती है ना, तो वैसा कुछ साउंड भी WWE ने दिखाया था। तो यहाँ पर से स्पेकुलेशन ज़्यादा, और भाई पर्सनली मुझे भी लग रहा है ना जो फिन बैलर है ना डेमन गिमिक के साथ फिर एक बार वापस आ सकते हैं, क्योंकि डेमन फिन बैलर काफ़ी बड़े हो सकते हैं रोमन को हराने के लिए। और साथ ही में एक और नाम एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो है गाइस अपने फिन ब्रेवेट का। फिलहाल इसके पीछे पता नहीं कि फिन को क्यों WWE टीज करे, लेकिन अगर WWE को रीसाइन किया तो ये भी बहुत तगड़ी चीज़ हो सकती है, और ये भी काफ़ी एक तगड़ी मेक श्योर चीज़ हो सकती है। और ये भी हो सकती है कि फिन भी वो इंसान हो सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन ये जो मेन चीज़ और एक स्पेकुलेशन हो रही है इसके रिगार्डिंग थर्ड स्पॉइलर, जो कि हो सकता है गाइस अपने बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का रेड लाइट ना, मतलब ब्रॉक लेसनर हो सकते हैं, ऐसे फिलहाल फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं। क्योंकि जो रेड लाइट होती है ना ब्रॉक लेसनर, अब अगर आपने देखा था तो थीम सॉन्ग, तो भाई लाइट लाइट ऐसे छा जाती है तो रेड लाइट ही होती है, क्योंकि जो थीम एक रेड लाइट की तरफ है, तो WWE से गलती से बॉच हो गया होगा ऐसे फैंस को लग रहा है। लेकिन स्टिल मेरे ख्याल से ये चीज़ नहीं हो सकती, ब्रॉक लेसनर जो है बॉच हुआ नहीं था, WWE से कुछ इसका मीनिंग होने हैं अगले स्मैकडाउन के अंदर। तो भाई इसके लिए हमें जो अगले स्मैकडाउन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक सुपर कमाल का एडिशन होने वाला। तो भाई आप कितने एक्साइटेड हो, आप मुझे आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हो। लेकिन आज की हमारी ये वाले वीडियो बस यही तक थी गाइस, आपको हमारी आज ही ये वाली वीडियो पसंद है तो वीडियो कर सकते हैं लाइक, कर सकते हैं आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारी पहली नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज की वीडियो बस इतनी थी, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।